वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की अपनी एक पॉलिसी बनाई। इन पॉलिसी के तहत बड़े पैमाने पर निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रदेश में भी आमंत्रित किया, और यही नहीं, बड़े बड़े वेयर हाउसिंग के साथ साथ हम लोगों ने तो हर ब्लॉक स्तर पर महिला स्वयंसेवी समूह और वहां के प्रगतिशील किसानों को भी कहा कि हम आपको अनुदान देंगे, आप अपने यहां छोटे छोटे वेयर हाउस तैयार करिए, कोल्ड स्टोरेज बनाइए, जिससे आपकी उत्पाद को अधिक दाम मिल सके। और उस दिशा में लगातार कार्य हो रहा है। लेकिन मुझे आज इस मोतीराम अड्डा में आकर के देख करके बहुत अच्छा लगा, अक्सर श्री प्रदेश मणि त्रिपाठी जी के साथ मुलाकात होती थी और उन्होंने मुझसे यही कहा था कि आप देखना, मैं मोतीराम अड्डा में एक बहुत अच्छा काम करूंगा। और भाइयों बहनों, सचमुच उन्होंने ये करके दिखा दिया। इसके लिए मैं योगेश मणि त्रिपाठी जी को और प्रदेश मणि त्रिपाठी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, एक तरफ इन लोगों ने यहां पर श्री एसोसिएट के द्वारा ये वेयर हाउस बनाया गया, तो एशियन पेंट को भी इसकी आवश्यकता थी और एशियन पेंट ने इतने बड़े वेयर हाउस के लिए महीने में 22 लाख रुपए महीने के किराए पर इसको किराए पे ले भी लिया है। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति अगर मेहनत करेगा, विजन के अनुरूप उसको इंप्लीमेंट कर देगा, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है। और आज परिणाम भी आ गया। एशियन पेंट जैसी प्रतिष्ठित कंपनी ने इसको किराए पे लेकर के अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की सप्लाई को, बिहार की सप्लाई को, नेपाल की सप्लाई का केंद्र बिंदु भी गोरखपुर बना दिया है। अब यहाँ पे अनेक लोगों को यहां से सप्लाई चेन में मदद मिलेगी। इनका एक बफर गोदाम हो गया ये। इस फील्ड में अनेक संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को आगे बढ़ा करके हम रोजगार की संभावनाओं को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 4.25 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ जो एक वेयर हाउस है, 1,23,000 वर्ग फुट भूमि पर यह खड़ा किया गया है। और यह अपने आप में इस जनपद का तो संभवतः ये पहला वेयर हाउस है, गोरखपुर का तो पहला ही है, मैं मानना हूं, मेरा मानना है पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी ये पहला वेयर हाउस है जो इतने भव्य तरीके से, इतने बड़े पैमाने पर यहां पर बना करके तैयार किया गया है। और ये भी मुझे प्रसन्नता है कि 2022 में जब हम लोग उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने की तैयारी कर रहे थे, उस समय जो जनपद स्तर पर वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की पॉलिसी के तहत निवेश की संभावनाओं को आमंत्रित कर रहे थे, उसी समय श्री एसोसिएट ने राज्य सरकार के साथ अपना एमओयू किया और मात्र 9 महीने के अंदर इसको बना करके भी खड़ा कर दिया है। इस वेयर हाउस के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपए पूरी पूंजी लगी है, जमीन स्ट्रक्चर पूरा उसको खड़ा करने में। और इसमें यानी ये पूरा वेयर हाउस इसके साथ बनकर के तैयार हुआ है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक नीति वेयर हाउस के निर्माण के मूल्य की लागत पर हम प्रदेश सरकार के द्वारा छूट भी देते हैं और उसी के तहत यह वेयर हाउस आच्छादित होगा। आज का यह कार्य एक अभिनव कार्य है, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, विकास की एक प्रक्रिया के साथ
एक सप्लाई चेन के साथ मोतीराम अड्डा जुड़ेगा। और भाइयों बहनों, मार्केट के साथ जब हम चलना प्रारंभ करेंगे तो विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें और मदद मिल पाएगी। आज का समय के अनुरूप तकनीक को अपनाते हुए आगे बढ़ने का समय है। अगर हमने समय के अनुरूप अपने आप को बदला नहीं, आज की जरूरत के हिसाब से तकनीक को अपनाया नहीं, तो इस परिवर्तनशील दुनिया में हम पिछड़ जाएंगे। और याद रखना, काफले में जो व्यक्ति उस काफले का हिस्सा बन करके अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, वही सफलता प्राप्त कर पाता है। काफले में जो व्यक्ति पीछे जा छोड़ जाता है और फिर धीरे धीरे करके पिछड़ता जाता, पीछे पीछे चला जाता है, उसके लिए फिर मंजिल प्राप्त करना एक दूभर यानी एक दूर की कौड़ी हो जाती है। ये समय के अनुरूप उठाया गया कदम, तकनीक पर आधारित, आज की जरूरतों को पूरा करने वाला एक नया अत्याधुनिक वेयर हाउस यहां पर तैयार किया गया है। बहुत सारी संभावनाएं, सरकार की अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2023 में राज्य सरकार ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आयोजित किया था, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य सरकार ने उस समय हर जनपद में भी इन्वेस्टर समिट के आयोजन किए थे, उसके रोड शोज किए थे, उसके एमओयू संपन्न हुए थे। गोरखपुर में भी बहुत अच्छी संख्या में वो एमओयू साइन हुए थे। पूरे प्रदेश भर में 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए, और 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव के साथ प्रदेश के 75 जनपद में कोई जनपद ऐसा नहीं था जिसमें निवेश के प्रस्ताव न प्राप्त हुए हों। और आज मुझे प्रसन्नता है कि जो एमओयू 2022 के अंत में हुआ था, आज उसका एक मूर्त रूप श्री एसोसिएट के द्वारा निर्मित मोतीराम अड्डा का यह अत्याधुनिक वेयर हाउस के रूप में हम सबको देखने को आज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टर समिट के दौरान एमओयू किए हैं या जो एमओयू करने में वंचित रह गए थे, वे तेजी के साथ अपना आवेदन आगे बढ़ा करके अपने निवेश को जमीनी धरातल पर उतार करके विकास की इस प्रक्रिया को तेज करते हुए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से श्री एसोसिएट को इस अभिनव कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि श्री एसोसिएट का यह उपक्रम इस क्षेत्र में वेयर हाउसिंग के फील्ड में नए निवेश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आपके अवसर इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।